हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस भी मैनेज कर रहे होंगे। गाइस, मैं आपके लिए अपने चैनल पे स्पीड, आउटलाइन, रूल्स एंड एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, जिससे कि आपके रूल्स भी कवर हो, आप अगर बिगनिंग स्टेज में हो आप उनकी एक्सरसाइजेस भी कर पाए, और जो एडवांस स्टेज में है उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है कि वो अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, अपनी हर लेवल की स्पीड में अपने कंसेप्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो उस कंसेप्ट को मैनेज करने के लिए हमने 40, 60, 70, 80, 90 एंड 100 स्पीड तक की डिक्टेशंस को अपलोड किया है। तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है अगर आपको उनको मैनेज करने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि मैं आपको अपडेटेड आउटलाइंस एंड वीडियो से अपडेट करती हूँ। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है हमारा, इस वीडियो में हम काम करेंगे कुछ स्मार्ट आउटलाइन पर, जो कि एक न्यूज़पेपर एडिटोरियल मैटर है। इस मैटर में बहुत सारे नए शब्द आए हुए हैं और बेसिकली रिसेंट टॉपिक है, तो जो भी लर्नर होते हैं, जो एडवांस स्पीड वाले होते हैं, वो बेसिकली वो यही चाहते हैं कि वो करंट टॉपिक्स पर डिक्टेशंस लें। तो यहां पर मैं आपको ये सारा की सारा जो भी स्मार्ट आउटलाइन यूज हुई है वो बताऊंगी, और एक और चीज मैं आज से अपडेट कर रही हूं, मैं आपको उस पूरी डिक्टेशन की किस तरह से आप उसको लिखेंगे वो फॉर्मेट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अभी सबसे पहले मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ स्मार्ट आउटलाइन का सेक्शन, तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर आउटलाइन में कहाँ पर क्या चीज कैसे बन रही है वो मैं आपको डिफाइन करूंगी। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखा कीजिए ताकि कहीं पर कोई कंफ्यूजन है आप तभी लिंक करके कमेंट बॉक्स में उसको प्लेस कर पाएंगे, और फ्रिक्वेंटली कमेंट किया कीजिए किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। अगर वो आउटलाइन वहां एक्सप्लेन करने की होगी तो मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारी फर्स्ट आउटलाइन है शनिवार। शनिवार जो शब्द है ये दिन का नाम है। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, श में न शनि और वार में व और रा, इस तरह से। अब यहां पर हम कोई मात्रा नहीं बना रहे, कोई मात्रा प्लेस नहीं किया, क्या करेंगे सिंपल इसके नीचे दो मार्क, लाइन मार्क कर देंगे, जिससे शब्दों के बीच में जब ये शब्द आएगा तो हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि ये कोई नॉर्मल शब्द नहीं है, यहां पर आपने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है। क्या लिखा है वो शब्दों को आगे पीछे से पढ़ के आप डिफाइन कर पाएंगे कि हमने वहां पर क्या लिखा है। ठीक है, इसके बाद आपका शब्द है रविवार। तो देखिए, रवि पे थर्ड प्लेस की साउंड आ रही, तो नीचे से लेके जाएंगे रवि, और वार के लिए वा और रा की ही व्यंजन रेखा को हम यूज करेंगे, और इसके नीचे भी दो लाइन मार्क करेंगे। ठीक है, ये लाइन मार्क करना भले ही अभी मुझे लगता है कि एक टफ टास्क है, कि मेरा स्पीड रुक रही है या मुझे प्रॉब्लम होगी लगाने में, बट इन फ्यूचर एक्यूरेसी मेंटेन करने का सबसे ईजी कनेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप चीजों को, ऑर्डिनरी एंड इम्पॉर्टेंट चीजों को मार्क कर लेते हैं, जैसे कि जब आप स्पीड पे डिक्टेशन लिख रहे होते हैं तब ये चीजें जल्दी कैचेबल हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पूर्वी लद्दाख, पूर्वी पूर्व से बना। ठीक है, तो पा यहां पर बनाया हमने, पा और रा और ये व। ठीक है, पूर्वी लद्दाख, तो ला की व्यंजन रेखा को छोटा मोटा किया खा, लद्दाख, ये डार्क करके बनेगी आपकी। ठीक है, डबलिंग नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि ये डार्क बनेगी, पूर्वी लद्दाख। रूल है आपका कि या रा ला और दा की व्यंजन रेखाओं को जब उसकी लेंथ का आधा करके मोटा कर देते हैं तो उसमें दा भी लग जाता है। ठीक है, तो ये वही रूल हमने यहाँ पर लद्दाख के लिए अप्लाई किया है, और चूंकि ये भी एक जगह का नाम है तो हम यहाँ पर भी एक मार्क लेंगे। आप देखेंगे स्टार्टिंग में मोस्टली ये जो है जगहों के नाम आ रहे हैं, डेज आ रहे हैं, तो इसी तरह से डिफाइन हुआ है। इसके बाद देखिए पैगोंग झील, ए की मात्रा है, फर्स्ट प्लेस पे बनती है। ठीक है, पा को शॉर्ट किया है, गॉग
झा के लिए शुरू में ही काटा है ल, पैगॉग झील, क्योंकि ये भी एक जगह का नाम है तो हमने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए चीनी। अब ये वो चीनी नहीं है, ये चीनी सैनिक भी हो सकते हैं, ये चीनी सीमाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी शब्द के लिए आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी चा पे थर्ड प्लेस की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो ये हमने चा की व्यंजन रेखा को थर्ड प्लेस पे डिफाइन किया, ना में द्विध्वनिक साउंड में ई को डिफाइन किया है, चीनी, और नीचे हमने यहाँ पर दो मार्क लगाए हैं। ठीक है, जिससे प्रॉपर क्लियर हो जाए कि ये क्या शब्द के लिए हमने बनाया हुआ है। इसके बाद देखिए नया शब्द आता है दुस्साहस। दा पे अगेन थर्ड प्लेस की मात्रा आ रही है ऊ की, तो किस तरह से इस शब्द को बनाएंगे। दा को लिखा हमने दुस। अब दूसरा वाला जो सा और हा है ये थोड़ा बड़ा बनेगा, सा में हा ही जुड़ जाएगा और यहाँ पे स, दुस्साहस। ये जो बड़ा सर्कल बनाया है बीच में, क्योंकि बड़ा सर्कल शुरू में आता है तो वो स्वा के लिए होता है, बट जब बीच में लगा रहे हैं तो हमने यहाँ सर्किल नहीं बनाया है, हा की व्यंजन रेखा को ही जो उसका सर्किल है वो बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये दुस्साहस हुआ। और मात्रा इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि हमने लाइन के प्लेस के अकॉर्डिंग इसको थर्ड प्लेस पे बनाया है। ठीक है, थर्ड प्लेस पे बनाने के कारण हमें यहाँ पर मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए लाइन के जो प्लेसेस होते हैं उन प्लेसेस को हम डिफाइन करके भी मात्रा को मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं कोई शब्द लाइन के ऊपर बना रही हूँ और उसपे फर्स्ट प्लेस की मात्रा है तो मैं उसे लाइन के ऊपर बनाऊंगी। फर्स्ट प्लेस की मात्राएं कौन सी होती हैं आपकी, या तो छोटे आ की मात्रा होगी, या बड़े आ की मात्रा होगी, या ए की मात्रा होगी, या आई की मात्रा होगी, यही होती ना फर्स्ट प्लेस की मात्राएं। जो सेकेंड प्लेस की मात्राएं होती हैं वो होती हैं आपकी ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है, अ की मात्रा होती है, और अंग की मात्रा होती है। तो मतलब हम उन मात्राओं से संबंधित शब्द को लाइन पर लिखेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट थर्ड प्लेस की मात्राएं आती है हमारी ई ई और उ उ, मतलब छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ, तो इनको हम क्रॉस द लाइन लिखेंगे। इस रूल को अगर आप याद रखते हैं ना तो भी हम इन शब्दों को बगैर मात्रा लगाए समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए शब्द आता है भारतीय सैनिक। तो भारतीय सैनिक, रणनीति, तो देखिए रण के लिए तो रा की व्यंजन रेखा हमने डिफाइन की, और नीतिक, नीतिक, तो ये ना बना, ये ता बना, और ये का, ये हमने कट नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ये खाली समझने के लिए है कि हमने ये ता का इंडिकेशन दिया है। ठीक है, एक तो आप इस तरह से बना सकते हैं, दूसरा आप रण, इसको ना को छोटा कर दीजिए ता के लिए, और क, रणनीतिक, दोनों में से जो आप जल्दी समझ पाए उसको आप डिफाइन करें। ठीक है, इसके बाद देखिए शब्द है बीजिंग। इंग के लिए एक शब्द हम बनाते हैं जिसमें बीच में कोई भी गैपिंग नहीं बचती है, तो कैसे बनाया, बाकी व्यंजन रेखा, अब ये देखिए बीच में बगैर गैप छोड़े हुए जिंग, बीजिंग, एक तो ये फॉर्मेट हो गया, और चूंकि थर्ड प्लेस पे था तो हम लाइन को कट करके लिखेंगे। दूसरा फॉर्मेट आपका क्या बनेगा, हम बा को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बा आया, जा आया, और ये इंग की साउंड के लिए बीजिंग, ये दो फॉर्मेट में आप इस शब्द को लिख सकते हैं। इसके बाद आपका शब्द आता है बदल गए हैं। तो देखिए बा का शॉर्ट फॉर्म लगाया, दा की व्यंजन रेखा लगाई, ला लगाया, गए हैं, बदल गए हैं, इस तरह से हम इस शब्द को लिखेंगे। अब आ रहा है चीनी विदेश मंत्री। तो चीनी हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा चीनी, ठीक है, चीनी आ गया, विदेश मंत्री, इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे, चीनी विदेश मंत्री। सिंपल, अगर मुझे कहीं पर विदेश मंत्री लिखना है तो मैं किस तरह से लिखूंगी। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, आप चाहे खुद से आउटलाइन बनाएं या फिर आप आउटलाइन कहीं से देख के बनाएं, जो शब्द के लिए आप जो आउटलाइन सेट कर देते हैं, कोशिश कीजिए उस शब्द को एक बार, दो बार, दस बार, हजार बार भी अगर आप सुने तो आप वही आउटलाइन बनाएं, तभी आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी। ठीक है, अब मुझे लिखना है विदेश मंत्री, तो देखिए विदेश मंत्री, एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा आप विदेश को पूरा लिखिए, मंत्री से काट दीजिए, ये दोनों फॉर्मेट है, मतलब एक बनाया मैंने वा, दा और शा का व्रत बनाया है, और यहाँ पे माँ
की व्यंजन रेखा में रा ऐड कर दिया। दूसरा जो मैंने बनाया है, विदेश लिख के मंत्री, मंत्री का ये सिंबल होता है हमारा, इसी से बना दिया है। ठीक है, अब नाम है ये वहां के विदेश मंत्री का, वांग ई। ठीक है, तो वांग ई हम कैसे लिखेंगे, वांग। ठीक है, ये आ गया आपका लाइन से ऊपर, वांग ई। अब ई या और इस पे ई की मात्रा है तो हम इस तरह से लगाएंगे, वांग ई। और यहां पर दो लाइन जरूर मार्क करेंगे ताकि ये डिफाइन करे कि ये एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, किसी चीज, किसी जगह, किसी वस्तु का नाम है, किसी शख्सियत का नाम है। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्ड आता है आपका इसके लिए, तो इसके का शब्द चिन्ह है हमारा, उसी में लिए का जोड़ दिया। बात चीत, करना चाहते हैं, तो कर करके करना का शब्द चिन्ह, ना की व्यंजन रेखा पूरी बनाएंगे और उसमें चाहते हैं ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल चीन वर्ड है तो वही थर्ड प्लेस पे बगैर ई की द्विध्वनिक मात्रा के साथ। ठीक है, चा और ना। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है भरोसा किया जाए, तो कैसे लिखेंगे हम देखिए, भा में रा का हुक, सा की व्यंजन रेखा, सॉरी सा का व्रत और का की व्यंजन रेखा, और आज जाएगा शब्द चिन्ह, भरोसा किया जाए। योजना, तो योजना शब्द किस तरह से बनाएंगे, या ज न, योजना। ठीक है, पेशकश, तो देखिए पेशकश जब शब्द हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, पा में सा का व्रत, का में सा का व्रत, पेशकश, और लाइन पर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर ये शब्द में सेकंड प्लेस की मात्रा सुपीरियर है तो हमने लगाया इसको लाइन पर। इसके बाद देखिए क्या आएगा, हालिया, तो हमने हा को बनाया है द लाइन, ला और या, हालिया। ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे इसको। देखिए नेक्स्ट वर्ड किस तरह से बन रहे हैं हमारे, घटनाक्रम। ठीक है, घटनाक्रम, तो घटना में दो तरह के फॉर्मेट है, घा को टा से के लिए छोटा करके भी बना सकते हैं, जैसे ये घट ना क्रम, एक तो ये फॉर्मेट हो गया और अबव द लाइन बनाएंगे। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, पूरा घा बना के भी बना सकते हो, घटना क्रम। आप देखिए आपको कौन सा ज्यादा सुटेबल है, देखिए हर वर्ड की जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो वो वर्ड हमारे लिए इजी हो जाता है। अब जितना ज्यादा वर्ड को बनाएंगे, कोई भी टफ वर्ड होता है उसको एक एक दो दो लाइन में कंटिन्यू ड्रॉ कीजिए, समझ के ड्रॉ कीजिए कि वो शब्द आप किस तरह से बना रहे हैं। जब हाथ सेट हो जाएगा तो हर तरह का वर्ड बनेगा। ठीक है, तो क्या होता है, हाथ सेट होना जरूरी है आपका। ओके, अब देखिए अतिरिक्त का आपका शब्द चिन्ह है कि कौन सा वाला शब्द चिन्ह याद आ रहा है आपको, अर्थार्थ, अतिरिक्त, उदाहरण। तो अर्थार्थ लाइन के ऊपर, अतिरिक्त लाइन पर, उदाहरण लाइन को काटकर, सॉरी। इसके बाद आपका शब्द आता है सावधानी, तो देखिए सावधानी किस तरह से लिखेंगे हम, साव, सा के व्रत में वाकी व्यंजन का धा और नी। ठीक है, सावधानी, इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड आता है आपका अनिवार्य, तो निवार्य, अनिवार्य। ठीक है, ना वा और शॉर्ट या बनाया हमने लास्ट में अनिवार्य के लिए। इसके बाद आपका शब्द है बना दिया है, तो देखिए बा को शॉर्ट करेंगे, हमेशा ना बा को शॉर्ट करके जब लिखेंगे ना तो शब्द जल्दी पढ़ने में आ जाता है, बना दिया है। इसके बाद आपका शब्द आता है गलवान घाटी, तो देखिए गल, गा और ला, तो गा का, गा में ला का हुक, वा और ना, गलवान घाटी। ये जो ई की मात्रा दी है आप इसको दें या ना दें, ठीक है, ये ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सिंपल भी गलवान घाट, घा और टा लिखेंगे ना तो भी क्लियर हो जाएगा, या फिर आप घा को शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, गलवान घाटी, बस ये भी। यहां पर हमने क्या किया, टा के लिए इसको शॉर्ट कर दिया। इसके बाद देखिए शब्द आता है हमारा धैर्य, तो किस तरह से लिखेंगे आप इस शब्द को, ध में रा बनाएंगे और
या जोड़ देंगे धैर्य, ठीक है। परिपक्वता, तो परिपक्वता कैसे लिखेंगे, देखिए पा का शॉर्ट फॉर्म परि, ठीक है, पा को छोटा किया, पक्वता, परिपक्वता, या फिर परिपक्वता, ठीक है। लेकिन ऐसा शब्द हम परिवर्तन के लिए और परिवर्तनशील के लिए यूज कर चुके हैं, तो सम टाइम हमें इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बट आप अपनी प्रैक्टिस में लेके देखिए आपके लिए कौन सा शब्द ज्यादा कन्वीनियंट है, जो शब्द आपको ज्यादा यूजफुल लग रहा है दोनों में से आप उसको यूज करेंगे, ठीक है, ताकि आपके जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर डिफाइन हो सके और आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, ओके। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आता है वो है परिचय, तो किस तरह से लिखेंगे हम, पा में रा और चा, तो यहाँ पे पा में रा का हुक लगाएंगे हम, ठीक है, तो परिचय, परिचय, इस तरह से ये शब्द हम लिखेंगे। इसके बाद आपका शब्द आता है सक्रियता, तो देखिए सा को रा के हुक की तरफ बनाएंगे तो सकर बन गया, ठीक है, य ता सक्रियता, इस तरह से ये शब्द बना हमारा। इसके बाद शब्द आता है कूटनीतिक, देखिए जो रूल मैं आपको बता रही हूँ शब्दों को बनाने के, ये वही रूल्स हैं जो हम ऑलरेडी बुक में पढ़ चुके हैं, इन्हीं रूल्स के बिहाव पर हम अपने शब्दों को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, शब्द है हमारा कूटनीतिक, तो का और टा, तो हमने का को छोटा किया और वहीं से नीतिक जोड़ दिया, कूट, ठीक है, और यहां से हमने जोड़ दिया नीतिक, एक तो ये फॉर्मेट हो गया, एक हमने का को करके नीतिक, यहां पर ताकि व्यंजन रेखा छोटी बनेगी, नहीं तो आप फिर का की व्यंजन रेखा को यहां पे भी ऐड करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं कूटनीतिक। सरहद, सा में रा में सा का हुक, हा को छोटा और मोटा कर देंगे तो इसमें दा भी जुड़ गया, तो ये सरहद शब्द हो गया। वारदात में वा का शॉर्ट फॉर्म रा की व्यंजन रेखा दा और ता, वारदात, अब चूंकि फर्स्ट प्लेस साउंड है तो हम इसको अबव द लाइन लिखेंगे। हमेशा शब्दों को ना साउंड के अकॉर्डिंग लिखिए, आप शब्द को जल्दी पढ़ पाएंगे, और अगर आप वहां साउंड नहीं भी लगाते हैं तो भी शब्द आपको खुद बताएगा कि वो किस साउंड से रिलेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका शब्द आता है आकस्मिक, तो देखिए क स मिक, मा की व्यंजन रेखा को छोटा कर देंगे और लाइन के ऊपर बनेगा आ क्रोश, ठीक है, आक्रोश। अब इसी से अगर आक्रोशित होता, ठीक है, तो आक्रोशित ताकि व्यंजन रेखा बना देते, ठीक है। हाँ ये हो सकता है आप इसको समझने में कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि कांग्रेस भी इसी तरह से बनता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, अंग्रेज भी इसी तरह से बनता है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपका आ का डैश बनाया क्रोश, आक्रोश, ये पूरा लिख सकते हैं, तो आप ये और ये, ठीक है, और हैं आइदर ये आइदर इट, ठीक है। इसके बाद आपका शब्द आता है परिणति, तो परी के लिए हम ऑलरेडी शॉर्ट कर ही रहे हैं, थर्ड पे ये प, ठीक है, रा में न और त, परिणति। वीजिंग, शायद ये मैं आपको बता चुकी हूं शब्द, बच्चों की आपकी डिक्टेशन में दोबारा आया था, वीजिंग, ठीक है। सुनियोजित, सा में नामे सा का व्रत सुनियोजित, ठीक है, इस तरह से आप इसको बनाएंगे सुनियोजित। काम कर रहा है, रहा रही रहे के लिए कर की व्यंजन रेखा को ही डबल खेच दिया तो यहाँ पर रहा रही रहे भी ऐड हो गया, तो क्या आया, काम कर रहा है, और कहाँ बनाया हमने, अबव द लाइन, क्यों बनाया अबव द लाइन, क्योंकि वहां पर आपका फर्स्ट स्पेस की साउंड इंडिकेटेड थी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शब्द है हमारा दरअसल, ठीक है, तो दरअसल किस तरह से बनाएंगे, दा में रा का हुक, दरअसल, सा का व्रत, ला की व्यंजन रेखा, दरअसल। वैश्विक, अब यहां पर वा को किया शॉर्ट, ठीक है,
और चूंकि सा का व्रत भी इसी में आ रहा है तो स विक वैश्विक, ठीक है, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं वैश, ठीक है, विक। और इसी व्यंजन को आप वैश्विक इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये तीन फॉर्मेट हैं आपके पास, आप जो अप्लाई करें और फ्रिक्वेंटली अप्लाई कर पाए। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड मैं फ्रिक्वेंटली लिख सकती हूँ, सेकंड वाले में मुझे हाथ को थोड़ा उठाना पड़ा तो वो मेरे लिए इतना कन्वीनियंट नहीं है। अब आप प्रैक्टिस में लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके लिए कौन सा वाला ज्यादा बेनिफिटेड रहा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाजारों। तो देखिए बा ज और र, तो बा को शॉर्ट किया ज और रो, बाजारों, ठीक है। विश्वसनीयता, तो विश्वसनीयता इस तरह से ये शब्द बनेगा। जूझ रहा है, जूझ रहा है। जा को थर्ड प्लेस पे किया और उसको लंबा करके झा की व्यंजन रेखा को ही लंबा कर दिया तो रहा रही रहे इसमें ऐड हो गया। खास कर, देखिए खास कर अबव द लाइन, खा में सा का व्रत उसी को थोड़ा सा बाहर निकाला और का और रा उसमें ऐड कर दिया। इसके बाद शब्द आता है हमारा सशंकित। तो सशंकित किस तरह से लिखेंगे, देखिए सा का व्रत फिर अगेन वहीं पे घुमाते हुए सा का व्रत का और त सशंकित, ठीक है। भारत, अमेरिका, इसमें बताइएगा कि मैं कहां पर क्या चीज नहीं लगाई हूं ताकि मुझे भी पता लगे कि आपने इस चीज को कैच किया है, ठीक है, और वीडियो पूरा देखा है ये भी। ब्रिटेन, तो ब्रिटेन भी एक जगह का नाम है तो हमने यहां पर इसको लिखा थर्ड प्लेस पे ब्रिटेन। कंपनियों, खिलाफ, खा में लाका होक और ये हल्का सा डैश डिफाइन करते हैं, कठोर, का ठा में राका होक कठोर। फैसले, फाकी व्यंजन रेखा सा का व्रत ला और चूंकि बहुवचन है तो एक बिंदी यहां पर रख देंगे, फैसले। कारोबार, का में राका होक बा में राका होक कारोबार। निवेश, ना की व्यंजन रेखा वा और शा निवेश, ठीक है। योजनाओं, तो योजना ऑलरेडी हमने बनाया है उसी को बहुवचन कर देंगे। टाल दिया है, टाल दिया है, ठीक, इस तरह से ये शब्द बने हमारे। अब कुछ लास्ट शब्द रह गए हैं, देखिए अपडेट कर चुकी हूं। आज मैं आपको इस पूरी एक्सरसाइज को बना के बताऊंगी कि कहां पर क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए शनिवार, सा में ना का ये वार, सा का व्रत ना की व्यंजन रेखा और वा और रा। रविवार, नीचे लाइन मार्क करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट डे है इसलिए। शनिवार रविवार की देर दूर धीरे का हमारा शब्द चिन्ह आता है, ठीक है, तो देर रात। पूर्वी लद्दाख, देखिए पूर्वी लद्दाख जगह का नाम है। में पैगोग झील, तो पा को शॉर्ट किया है गा बनाया है झ और ला, पैगोग झील के करीब। चीनी, दुस्साहस, ये लाइनें मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन कर चुकी हूं तो प्लीज इससे पहले वाला वीडियो देखिए आप। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप स्मार्ट आउटलाइन जो हमारी प्लेलिस्ट है उस सेक्शन में जा सकते हैं और वहां से एक्सप्लेन जो किया है मैंने उसको देख सकते हैं, ठीक है। दुस्साहस को भारतीय सैनिक, बहुवचन है तो सैनिकों द्वारा, नाकाम, ठीक है, तो ना काम इसको शॉर्ट नहीं किया है, किए जाने और
रणनीतिक। तो देखिए रणनीतिक, रूप से, रा प और स, रूप से। ऑलरेडी कई बार बताया है मैंने आपको ये कि रा और पा की व्यंजन रेखा में बस सा का एक छोटा सा सर्किल ऐड कर देंगे। रूप से अहम, तो हम लिखते ना इसको, वो अपवर्ड लिखते हैं, ये हम डाउनवर्ड लिखते हैं। अहम एक चोटी पर, कब्जे के बाद, बीजिंग के सुर बदल गए हैं, पूर्ण विराम। चीनी विदेश मंत्री, ये पूरा इतना हमने यहां पर लिंक कर दिया, ठीक है। अब कौन है ये विदेश मंत्री, ये है वांग ई, चूंकि नाम है तो लाइन डाला हमने, वांग ई ने कहा है कि दोनों, दो के आगे डैश लगाएंगे तो दोनों देशों को अपने, अपना अपनी अपने मत भेदों को काबू में करने की, ये पूरा हमने काबू में करने की शब्द है, जरूरत है, तो जरूरत का सिंबल है हमारा, जरूरत है, और इसके लिए वह बातचीत करना चाहते हैं, पूर्ण विराम। लेकिन चीन पर भरोसा कैसे किया जाए, या तो ऐसे लिखेंगे या किया जाए, पूर्ण विराम। और क्यों ना माना जाए कि यह पेशकश भी उसकी, उसका, उसकी, उसके, ठीक है। तो यहां पर उसकी किसी योजना का हिस्सा, हफ्ता आपका शब्द चिन्ह है, हिस्सा है, पूर्ण विराम। हालिया घटनाक्रमों ने चीन से लगी पूरी सीमा, तो पूरी सीमा पर अतिरिक्त सावधानी को निवार्य बना दिया है, पूर्ण विराम। 15 जून, चूंकि ये भी मंथ का नाम है तो हम नियर अबाउट ही लिखूंगे, को गलवान घाटी, ये छोटा आएगा, ठीक है, घा के लिए, इसको शुरू में हल्का सा कट करके तब घाटी में जो कुछ हुआ था, पूर्ण कॉमा, उसके बाद भी भारत ने धैर्य और परिपक्वता, ठीक है, परिपक्वता देखेंगे हम, परिपक्वता का परिचय देते हुए बातचीत से विवाद, ठीक है, छोटा बनाएंगे, को सुलझाने का रास्ता चुना,
अब देखिए चीन और चुना, तो यहाँ पर आपको उसको डिफाइन करना होगा, पिछले ढाई महीनों। तो देखिए ढाई शब्द जब आता है, ठीक है, तो हम ढाई महीनों इसी के नीचे लिख देंगे, ताकि हमें ये समझ में आए कि ढाई के लिए लिखा है। ढाई महीनों में दोनों देशों के बीच सरहद पर कई दौर की सैन्य वार्ताएं हुई व कूटनीतिक प्रयास भी हुए, पूर्ण विराम, मगर ताजा झड़प और समय सीमा मैं आपको ऑलरेडी बताया है, थर्ड प्लेस पे सीमा के लिए सिंबल बनाएंगे हम, सीमा पर उसकी सैन्य सक्रियता बताती है कि गलवान की वारदात भी किसी आकस्मिक, ठीक है, तो आकस्मिक आक्रोश की परिणति नहीं थी, बल्कि बीजिंग एक सुनियोजित योजना पर काम कर रहा है, पूर्ण विराम, ठीक है। इस तरह से ये शब्द हमने बनाए। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद शब्द है आपका दरअसल। तो देखिए दरअसल वैश्विक, तो वैश्विक छोटा बनाएंगे, बाजारों में चीन इस समय विश्वसनीयता के भारी संकट से जूझ रहा है, तो जूझ रहा है इसको बड़ा कर देंगे, खासकर खासा नीचे थोड़ा बाहर निकला कर कोरोना, तो कोरोना के इस दौर ने संसार भर के देशों को उसके प्रति, प्रत्येक प्रति का शब्द चिन्ह थर्ड प्लेस पे बनाएंगे, प्रति सशंकित कर दिया है, पूर्ण विराम, भारत अमेरिका ब्रिटेन समेत, देखिए सहायता सेतमेत समेत कई बड़े देशों ने उसकी कंपनियों के खिलाफ कठोर फैसले किए हैं, तो वहीं अनेक देशों की कंपनियां चीन से
अपने कारोबार समेट रही हैं या फिर उन्होंने अपनी आगामी निवेश योजनाओं को टाल दिया है। ऐसे में या तो इस तरह से लिखिए या फिर सेपरेट लिखिए, ऐसे में अपने विशाल बाजार और सक्षम, एक तो इस तरह से हुआ, दूसरा इजी फॉर्मेट होता है सक्षम, लिखिए इस तरह से, छ बनाइए और मार्क के थ्रू उसको डिफाइन कीजिए। सक्षम युवा श्रम शक्ति के कारण भारत स्वाभाविक रूप से चीन का एक बेहतर, तो बेहतर जो शब्द होगा, एक हमने लाइन के ऊपर लिखा बेहतर विकल्प है बीजिंग इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इस तरह से लिखिए, या फिर जैसा मैंने आपको बताया है इस्लामाबाद, दोनों फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस्लामाबाद के साथ मिलकर इस खत्ते में तनावपूर्ण माहौल इसलिए भी खड़ा करना चाहता है ताकि भारत की आर्थिक संभावनाओं, सम के लिए सर्किल यूज किया है, को वह प्रभावित कर सके। पाकिस्तान के जरिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन ये पूरा यहां आ गया, में कश्मीर पर भारत को घेरने की उसकी कोशिश जब बुरी तरह विफल हो गई तब उसने तिब्बत, ठीक है, तिब्बत में नई सक्रियता दिखाई और उसे आधुनिक समाजवादी तिब्बत, तो देखिए आधुनिक समाज, ठीक है, वादी तिब्बत बनाने का ऐलान किया और फिर पूर्वी लद्दाख में एक नई हिमाकत दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले ही कोरोना महामारी की चपेट में है, ऐसी सूरत में किसी जंग, अंग की बिंदी के लिए है बगैर गैप दिए हुए, की ओर ले जाने वाली
कोई भी हरकत पूरी मानवता के प्रति एक गंभीर अपराध है, मगर बीजिंग ने कब इसकी परवाह की? इसलिए भारत को उसके छलावों को समझते हुए हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। पूर्णिमा शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 40 वर्ड्स पर मिनट एडवांस आउटलाइन मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ और इसी ही डिक्टेशन की मैं आपको कुछ इवन पूरी डिक्टेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लिखकर। अब मैं आपको इसकी डिक्टेशन देने वाली हूँ। तो डिक्टेशन स्पीड है 40 वर्ड्स पर मिनट, बिगनिंग स्पीड होती है ये, बेसिकली जो एडवांस लर्नर होते हैं उनके लिए 80, 90, 100 की स्पीड जाती है, बट जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं, जो शॉर्ट हैंड की डिक्टेशंस को लिखना शुरू करते हैं या जिनकी बुक कंप्लीट हो जाती है, उनके लिए 40 की स्पीड मेंटेन होती है। ठीक है, तो बैक काउंटिंग के बाद मैं डिक्टेशन को शुरू करूँगी। अपनी कॉपी एंड पेंसिल उस टाइम ड्यूरेशन में प्रिपेयर कर लीजिए और लिटिल बिट कॉन्सेंट्रेशन लेवल मेंटेन कीजिए, बिकॉज वो डिफाइन होना बहुत ज़रूरी होता है शॉर्ट हैंड की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। अगर आप कॉन्फिडेंटली नहीं लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके, तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपके वर्ड्स ज़्यादा छूट जाएंगे और आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो उनको कंट्रोल कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। शनिवार रविवार की देर रात पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के करीब चीनी दुस्साहस को भारतीय सैनिकों द्वारा नाकाम किए जाने और रणनीतिक रूप से एक चोटी पर कब्जे के बाद बीजिंग के सुर बदल गए हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को काबू में करने की जरूरत है और इसके लिए वह बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन चीन पर कैसे भरोसा किया जाए और क्यों ना माना जाए कि यह पेशकश भी उसकी किसी योजना का हिस्सा है। हालिया घटनाक्रमों ने चीन से लगी पूरी सीमा पर अतिरिक्त सावधानी को अनिवार्य बना दिया है। 15 जून को गलवान घाटी में जो
कुछ हुआ था उसके बाद भी भारत ने धैर्य और परिपक्वता का परिचय देते हुए बातचीत से विवाद को सुलझाने का रास्ता चुना। पिछले 2.5 महीनों में दोनों देशों के बीच सरहद पर कई दौर की वार्ताएं, सैन्य वार्ताएं हुई व कूटनीतिक प्रयास भी किए गए, मगर ताजा झड़प और सीमा पर उसकी सैन्य सक्रियता बताती है कि गलवान की वारदात भी किसी आकस्मिक आक्रोश की परिणति नहीं थी, बल्कि बीजिंग एक सुनियोजित योजना पर काम कर रहा है। दरअसल वैश्विक बाजारों में चीन इस समय विश्वसनीयता के भारी संकट से जूझ रहा है, खासकर कोरोना के इस दौर ने संसार भर के देशों को उसके प्रति सशंकित कर दिया है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई बड़े देशों ने उसकी कंपनियों के खिलाफ कठोर फैसले किए हैं, तो वहीं अनेक देशों की कंपनियां चीन से अपने कारोबार समेट रही हैं या फिर उन्होंने अपनी आगामी निवेश योजना को टाल दिया है। ऐसे में अपने बाजार और सक्षम युवा श्रम शक्ति के कारण भारत स्वाभाविक रूप से चीन का एक बेहतर विकल्प है। बीजिंग इस्लामाबाद के साथ मिलकर इस खित्ते में तनावपूर्ण माहौल इसलिए भी खड़ा करना चाहता है ताकि भारत की आर्थिक संभावनाओं को वह प्रभावित कर सके। पाकिस्तान के जरिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में कश्मीर पर भारत को घेरने की उसकी कोशिश जब पूरी तरह विफल हो गई,
तब उसने तिब्बत में नई सक्रियता दिखाई और उसे आधुनिक समाजवादी तिब्बत बनाने का ऐलान किया और फिर पूर्वी लद्दाख में एक नई हिमाकत दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले ही कोरोना महामारी की चपेट में है। ऐसी सूरत में किसी जंग की ओर ले जाने वाली कोई भी हरकत पूरी मानवता के प्रति गंभीर अपराध है, मगर बीजिंग ने कब इसकी परवाह की? इसलिए भारत को उसके छलावों को समझते हुए हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? होप डिक्टेशन में आपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को कैच किया होगा और प्रॉपर मैनेज किया होगा। अगर कोई इशू रहता है, कुछ वर्ड्स छूटते हैं, तो प्लीज़ उन वर्ड्स को कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिकली मैनेज कर पाएँ। ठीक है, आप उनको लिख के देखिए 2-3 बार, जो भी टफ वर्ड हैं आपकी डिक्टेशन में। स्मार्ट आउटलाइन भी आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, उनके बिहाफ पे आप उनको प्रैक्टिस में लीजिए और 2-3 बार डिक्टेशन को मैनेज कीजिए ताकि आपकी ग्रिपिंग बने उन वर्ड्स पर। रिसेंट टॉपिक हैं तो इट मे बी कि आपके जो पढ़ा हुआ मैटर है उससे थोड़ा हटके वर्ड्स हैं, तो उन वर्ड्स पर जब आप फोकस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी मस्ट होगी। आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, डिक्टेशन उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होगा। आपकी हेल्प के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए।